किसका आते हैं वो? पूछ रहे कौन है वो? हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए, तो बहुत है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट प्रैंक वीडियो होगा और मेरे दोस्त इतने कमीने हैं कि वो जल्दी उल्लू नहीं बनते, स्पेशली आशिमा एंड काजल तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैं इसको उल्लू नहीं बना सकती क्योंकि पता नहीं यार क्यों वो जल्दी फट से पकड़ लेती है। एक प्रैंक वीडियो ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं वो सक्सेसफुल होती है या फ्लॉप जाती है। और ये प्रैंक होगा आशिमा के ऊपर, बिकॉज सोम्या के ऊपर का तो मैं कर नहीं सकती प्रैंक, उसको भी पता चलेगा कि मैं उसको झूठ बोल रही हूँ। काजल के ऊपर भी नहीं कर सकती, बिकॉज काजल को भी पता चलेगा कि मैं उसको उसके ऊपर प्रैंक कर रही हूँ। तो बचती है सिर्फ आशिमा, तो आशिमा के ऊपर ये प्रैंक होगा। और आशिमा भी बहुत ज़्यादा दिमाग वाली है, वो भी फट से पकड़ लेती है। इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं आशिमा के ऊपर एक प्रैंक करूँ, बिकॉज वो भी बहुत जल्दी से समझ लेती है। मैंने एक स्टोरी अपलोड की थी एक लड़के के साथ, एक लड़के का हाथ पकड़ के, दिस वन, आई होप आपने ये सब ने देखी होगी। इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत सारे डीएम्स भी आए थे, कौन है, किसका हाथ है, बताओ आप किसके साथ एंगेज हो। तो मैंने ये स्टोरी डाली थी आशिमा के लिए, ताकि आशिमा ये स्टोरी देखे और फट से मुझे कॉल करे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसने मुझे कॉल नहीं किया जी, उसी को पता जिसके लिए ये प्लान मैंने बनाया है, उसी ने मेरी स्टोरी अभी तक देखी नहीं है, ना ही मुझे कॉल किया है। तो आई एम वेटिंग फॉर हर कॉल। फिर मैंने सोचा कि अब मुझसे अकेले से नहीं होगा, सो मैंने काजल को इन्वॉल्व किया इसमें और काजल को बोला कि तू उसको फ़ोन कर, ऐसे ही इधर उधर की बातें घुमा एंड एक्ट लाइक तूने मेरी स्टोरी देखी और उस पर कुछ रिएक्ट कर, और फिर उसको बोल कि चल डॉल को फ़ोन करते, क्या हो गया बात देखते, बिकॉज अभी 5-6 दिन हो गए आशिमा और मैं ज़्यादा फ़ोन पर बात नहीं कर पाए। आई डोंट नो क्यों नहीं कर पाया, मैं भी बिजी थी, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया। तो मैं उसको ऐसे बोलूँगी कि मेरे लाइफ में कोई लड़का है, इसीलिए आई वॉज बिजी विथ हिम और इसलिए मैं उसे फ़ोन नहीं कर पाई, कॉल नहीं कर पाई। आई एम वेटिंग फॉर देयर कॉल। देखते मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फ्लॉप जाने वाला है या फिर नहीं भी जाएगा, बट आई एम वेटिंग फॉर देयर कॉल। बहुत दिन उसे प्रैंक करना था सबके ऊपर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो बॉयफ्रेंड वाला प्रैंक कर लेते, बिकॉज सोम्या में आशिमा तो सिंगल ही है, तो लेट्स सी। और हम लोग में ना ऐसी हमेशा बातें होती है मस्ती में, कितने दिन से सिंगल रहेंगे, तो ये मस्ती हमेशा होती थी, तो क्या पता आशिमा इसे सीरियसली ले ले। या दैट वॉज माई फ्रेंड्स हैंड जो मैंने पकड़ा था व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्टोरी पे, एंड वी आर गुड फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो यार, तूने फोन किया क्या आशिमा को? अरे मैंने उसको कॉल किया, उसने कॉल उठाया, बोली मैं वीडियो शूट कर रही हूं, आपको 10 मिनट में कॉल करती हूं, मिली आपके। यार मैंने अभी कैमरा ऑन करके बैठ गई हूं, पोपट हो गया ये तो, आशिमा बहुत ज्यादा बिजी है। आई हैव टू वेट फॉर मोर 10 मिनट्स और मे बी हाफ आवर और मे बी 1 आवर। 2000 years later. मुझे अभी काजल का फोन आ रहा था, शायद उसने आशिमा को कॉन्फ्रेंस पे लिया था, तो मैं ना भागते भागते ऊपर चली आई क्योंकि मैं नीचे थी, जेरी को घुमा रही थी नीचे। तो मैं फिर से कॉल बैक करती हूँ, पता नहीं आशिमा भी होगी शायद कॉन्फ्रेंस पे। हेलो क्या बोली, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या स्टोरी क्या डाली है, कौन सी स्टोरी? अबे तुम लोग मेरे को ऐसे आपकी अदालत में खड़ा कर दिया है क्या, वो कटघरे में खड़ा कर दिया है तुम लोग ने मेरे को, ऐसे तो पूछ रहे दोनों। ऑर्डर ऑर्डर किसका हाथ है वो?
अरे यार क्या बताऊँ यार, मेरे को क्या बोलूँ। फालतू की बातें कर दी, बता। अरे है एक लड़का, ऑफ कोर्स लड़का होगा ना आशिमा। तू भी वो क्या? सही है, तो हम भी वही पूछ रहे कौन है लड़का। हमें चूतिया ओह लड़के पूछ नो, रहे कौन है वो। क्या हाँ दुबई में रह गया, क्या बोलूँ। लेकिन मेरा दिल तो यहाँ पे धड़कता है ना। अरे भाई धड़क वड़क क्या अबे तू हो गया है? शाहरुख की मूवी देख के आई क्या? ओ कुछ अच्छा जी कौन है? हाँ अरे एक लड़का बता। है, लड़का है तो क्या बोलूँ कैसे बोलूँ। तो ना एक्चुअली सीन क्या होता है देख अब तो देख, अभी तो झूठ बोल रही है अभी सच बोल रही है, सबसे अच्छी बात बताइए। क्या, तो मैं झूठ बोलूँ या सच बोलूँ तेरे को? सच सच वाला बताइए। और फिर 5 मिनट मेरे को पकाएगी, फिर बोलेगी ये सब झूठ था, मजाक था, ये सब मत बोलियो। अरे तो पहली बात तो सॉरी कि मैंने तुम लोग को नहीं बताया। हाँ तो हाँ मैंने जी तुम लोग को नहीं बताया, तो एक्चुअली सीन क्या है, एक 1 मंथ हो गया ऐसे ही सीन चल रहा है। क्या वे हम लोग क्या रिवाज से है क्या? देखो हम लोग ही मिलेंगे पकाने को। हाँ तो ठीक है, पकाना ही समझो मेरे को क्या है। छोड़ो बात, बताना किसका है। हाँ तो हाँ आई तो किसी का बोल रही पूछे हूँ कौन ना, लड़का है। है वो तो मुझे पता है। कल लड़की तो डाल होगी रही नहीं, ना हाथ क्यों डाल रही है फिर? लड़की तो होगी नहीं, अरे बॉम्बे का ही है। बॉम्बे वॉम्बे छोड़ो, नाम बता। और नाम बता। ओह नो, अरे विशाल, हंस रही विशाल होगी ना, नाम है म्यूट करके विशाल। हंस रही है। ये कोई बात नहीं, हंस तो बेटा क्या? हंस अरे रही होगी, मेरी अबे बात क्या मैं आएगी वापस। नहीं, अरे पाजी हेलो, अभी तुम लोग मेरे को पूछ रहे हो अभी ऐसे, तो मेरे नहीं, इनका नेटवर्क का भी तो सीन है ना। गाड़ी को, तो तुम लोग मेरे को ऐसे पूछ रहे हो तो मेरे को हंसी तो आएगी ना। कट, शिट, नेटवर्क इशू। अबे इतना हंस रही क्यों है? रियल प्रैंक लग रहा है, हंस मत ना सर, सीरियस आ। सॉरी क्या सॉरी। लड़का है, मुझे पसंद आता था। हेलो, हेलो, हाँ तो जल्दी मैं बताती हूँ, अरे एक लड़का है। बोल, बराबर हाँ दिखाई बोल रही हूँ दे। भाई, तू बोल रही हूँ, तू मेरे को ऐसे बोल रही है, मजाक कर रही है, ये कर रही है, वो हाँ कर रही है, फिर हाँ मेरी भी हंसी अभी छूट रही नहीं है। से हंस, हाँ हंसी भी छूट गई पागलों और में सच्ची गिनती वाली कर रहे हो बात बोल। तुम लोग, मेरी पागलों में गिनती कर रहे हो। बोल 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 बोल। हाँ तो कोई नहीं, एक लड़का है तो ऐसे ही 1 मंथ से चल रहा है, मतलब डेटिंग काइंड ऑफ, मतलब ऐसे कैसे बताओ यार, मेरे को ऐसे शर्म आती है यार ये सब टॉपिक। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती है बस। अरे फालतू के लिए हाँ, तो मुझे लगती है ना टॉपिक पे आओ। क्या टॉपिक, क्या बताओ, क्या नाम है इसका? मेरे को शर्म थोड़ा आती नाम था ना है। उसको, क्या हाँ फोटो दिखा, नाम बता। ओह नो, विशाल नाम है उसका, विशाल। तो उसके मुंह मैं बोल दिया ये सी ना। जा भाग, तो बता रही हूँ क्या बोली? क्या। अरे तू तू और तू अभी पूछ क्या? रही भी है मेरे को और मैं बता भी रही हूँ, तो और सुन अभी भी रही देखो है। 1 महीने बाद अभी आ जाया, अभी आ जाया, फिर कौन तुम लोग को अगर मैं बोल दी होती तो तुम लोग क्या वो करते हो क्या? फिर मैंने अभी, मेरे को आज रहा नहीं गया तो मैंने डाल दिया स्टोरी, मैंने बोला चल जान दे कितने दिन छुपाएंगे, तो एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा ना, एक ना एक दिन। रिकॉल करके बता दी ना कि यहाँ है मेरे कोई सैया। और मेरे को शर्म आती है ऐसे टॉपिक में बात करने के लिए। अबे अरे वेटर वेटर का हाथ पकड़ी, फोटो डाल दी। एक्चुअली वो मेरे को पसंद है, तो मतलब ऐसे बोल, मतलब ऐसे किसी ने किसी को कुछ प्रपोज वपोज नहीं किया, एक्चुअली वो मेरे को पसंद है, मतलब एक दूसरे को पसंद है ऐसे ही, तो अच्छा मतलब लाइक वाइज मतलब नाम प्रॉपर बता मेरे। डेटिंग। अभी पूरे तेरे को ब्लड ग्रुप बताओ। हाँ हाँ पहले मैं ये निकाल बोलो कि लूंगी ना मम्मी कि पापा क्या मेरी सीन सब चल रहा है लोग भाई, आके रह सही है जाए। गलत है। हाँ आपको प्रोफाइल भी भेज दूंगी, वो आ रही हाँ है उसकी, उसके हाँ उसकी पूरी जान पड़ताल निकाल के तेरे को चांस मिल रही है। अबे एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम? सीनियर होता है वो मैरिड है, तो क्या इसलिए तुम लोग को बोलने के लिए मतलब थोड़ा मेरे को वो हो रहा था। क्या अरे क्या पका रही है को? एक गुस्सा दिलाने के लिए कॉल किया तूने? अरे मेरे को पता, देख आशिमा मेरे को पता, मेरे मेरे से को सुना नहीं, तुझसे बोल। मेरे तू को बोल पता, रही है अरे मेरे को पता था तुम लोग ऐसे ही मजाक में लोगे, खिल्ली वल्ली उड़ाओगे, तो इसलिए नहीं, मैं, तू क्या बोली तुझसे अरे वो मैरिड है, 25 ईयर्स का है, मैरिड है। बोल? क्या सीन है काजी? मेरे को कुछ आइडिया नहीं, ये एक तो मैडम एक दो हफ्ता हुआ कॉन्टेक्ट में भी नहीं है, और अभी वो तो फिर छोड़ भी के आई, है वो तो उसको कोई छोड़ तो के आई। पसंद आया, हाँ और
मुझे बहुत हंसते आ रहा है, बता नहीं क्यों। क्या देख, मेरे को पता था, तुम्हें को पता था तुम लोग ऐसे रिएक्ट करोगे, इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। अबे अबे चल, तू पागल है क्या? मैं इतना रात को क्यों रेडी हूँ? पागल वागल है? पागल है क्या? आशी माता को पता है सोम्या कैसी है, कैसे दिमाग की है? अरे यार आशिमा, मेरे को पता था तू ऐसे सब रिएक्ट करेगी, इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। अरे कैसा जज नहीं कर तेरे को, लेकिन मतलब सच्ची कन्फर्म वाला बता, सच्चे ऐसे पका रही है हम लोग को? अरे यार देख, वो है मैरिड है। किसकी फोटो भेजू? विशाल की, विशाल जीजू की। सब हटा, उसके बाद मैं टॉपिक पे आऊंगी, पहले तू फोटो भेज। अभी तो पागल वागल है क्या आशिमा? मेरे को तुम लोग के भरोसा नहीं, तू बोल देगी सौम्या को। दीदी की फोटो ना उठे आए तो बोल देगी, मतलब बदाल बहुत काला है, फोटो भेज दे फिलहाल मुझे। ओह नो, भेज रही हूँ, रुक कट कर, भेज रही हूँ। तो इसलिए नहीं बताती मैं तुम लोग को यार, इसलिए मैं तुम लोग को नहीं बताती। यार तुम मैं काम करो, तुम लोग हंस लो पहले, तुम लोग हंस लो, तुम लोग जब मिलोगे ना तब ये टॉपिक पे बात करते, मेरे को तो यही सही लग रहा है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, रुक कर कॉल कर रही तुझसे। अरे यार आई एम वेरी बैड। अबे किस कौन से बंदे की फोटो भेजू इसको? कितनी तेरे एक दोस्त की भेजना। कौन है दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक किसी दोस्त की भेजना। किसकी भेजू? मैंने बोला था ना आशिमा उल्लू नहीं, काजल होती तो काजल ने तो दो मिनट में पकड़ लिया होता, वो तो ठीक है, काजल मेरे टीम में। फोन आ रहा है, क्या बोलूं, किस बंदे का? सो मैं दे रहा है तेरे कोई दोस्त का फोटो वोटो? मेरा ही तो छोटू सा दोस्त दिखेगा, 17 साल का दोस्त की छोटी लगेगा ना। कोई दे दे यार, कोई ढूंढ, कोई फॉलोइंग वॉलोइंग में ढूंढ, जल्दी ढूंढ। हेलो, हेलो, हाँ बोलना। हेलो, हाँ बोलो। अरे कहाँ गए वो भाई? अरे मेरा नेट नहीं चल रहा है, रेंज भी ठीक से नहीं आ रही है, तुम्हारा फोन भी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। तो मैं देना, जल्दी देना। हाँ, रुक रुक रुक, किस बंदे की फोटो भेजू? रुक रुक रुक, एक है वो मैच्योर लगता है, रुक उसको भेजती हूँ। किस लड़की की फोटो? अभी नाम नहीं बताऊंगी सबके सामने। रुक, ए रुक रुक रुक, सो मैं मेरे भेज देती हूँ। सोमे रुक 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 रुक, मेरे को भेज। ये सही ये नहीं अच्छा ये मेरा दोस्त ये नहीं का। अरे लेना नहीं, अबे सही में, अबे देख कितना क्यूट लग रहा है ये, देख ये सही में क्यूट लग रहा है, मान जाएंगे। दे दे दे, ये मुझे क्यों नहीं पसंद आया? ये सोमे को भी दोस्त है, पता नहीं कौन दोस्त है, तो उसका फोटो दोस्त है और वो एंगेज भी है। अच्छा तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किसी का फोटो सेंड करूँ? तो सौम्या मुझे हेल्प कर रही है और सौम्या अपने किसी के दोस्त का फोटो मुझे दे रही है, मैं उसको आई मीन हमारा जो ग्रुप है, काजल मैं आशिमा का, सौम्या का भी, तो नहीं मैं पर्सनली सेंड कर रही हूँ। मैंने भेजा तो उसको डालता है, अबे चालू कर, अभी दिखा मत, यहाँ पे फोटो किसकी है? मैं फोटो नहीं दिखा सकती, वरना वो आके मुझे पकड़ के मारेगा, भाई क्या चल रहा है। एक एक साल हो गया उसके साथ मैंने बात नहीं की, बोलेगा ओ मेरी फोटो यूज कर जुगाड़। अच्छा है ना फोटो, मतलब एक और फोटो दे दे, एक और मान ले, एक और नहीं उसको बोले एक ही मिलेगा। सरनेम क्या बताओ? विशाल बोला ना, विशाल 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 शर्मा, शर्मा ठीक है चलो। इसी और उसको बोल कि सोशल मीडिया पे है उसका अकाउंट, पर मैं अगर उसे फॉलो करूंगी तो डाउट आएगा, इसलिए मैं उसको फॉलो नहीं करती।
यार मैं बहुत बहुत बुरी हुई अरे ये सब यही भेज चीजों में, यही भेज। बहुत बुरी। मुझे नहीं समझ में आता क्या बोलूं क्या नहीं। मैं नहीं कर पाऊंगी कभी प्रैंक वैंक। हेलो हेलो, अरे मौज नहीं हो रहा कॉल, आशिमा को कॉल कर, रुक आशिमा को मैं कॉल कर। हेलो हाँ हाँ बोलना, क्या हो गया? अरे तो झूठी एक नंबर की कितनी फोटो चिपका के भेजती है, जिस बंदे के राइट हैंड में एक कड़ा है क्या, और उसके दूसरे हाथ में कड़ा चिपक गया। अरे थोड़ी जो फोटो डाला है उसमें वो लड़के ने कड़ा पहना है, नहीं कड़ा पहना है पागल, वो क्या आज की फोटो होगी क्या उसकी जो इंस्टाग्राम की डीपी है? पहले की फोटो है थोड़ी ना अभी की फोटो, उसको खींच के लाई हूँ मैं। Oh no! अबे क्या सब चीजें 25 सालों की, यार वो फ्लॉपर से लगता भी है कि 25 इयर्स का है, ये पागल बना दिया। शक्ल से क्या है, अभी शक्ल से सौम्या तो बड़ी लगती लेकिन है छोटी ना, है तो 18 साल की लेकिन लगती तो बड़ी है 20 की, तो शक्ल से क्या है। लेकिन सीन ऐसा है कि तूने ऐसा डायरेक्ट बॉम्ब फोड़ दिया और दूसरी बात मतलब दूसरा बॉम्ब फोड़ देगी वो शादी से जाए। हाँ, इसी से तो पूछ रही हूँ। तो कुछ हंसी वसी नहीं है, इतना देर कौन हंसेगा, और मैं कभी सीरियस नहीं होती, तुम लोगों को भी पता है ना मैं हंसती रहती हूँ हमेशा हर बात पे। अभी क्या ब्लड ग्रुप दू क्या उसका? अबे सौम्या वीडियो बना रही है, सौम्या वीडियो बना रही है बेडरूम में। हेलो, मेरी अभी कैमरा की बैटरी भी लो हो गई, पता नहीं मैं एंड करती हूँ अभी, बहुत ज़्यादा हो गया कैमरा की बैटरी। इतनी इजीली क्यों अभी मान रहे हो, रुकना कैमरा, रुकना चाहिए, रुकना चाहिए नीचे, अरे देखना नीचे व्यक्ति ना कॉल की ना है। हेलो हेलो, किधर गायब हो रही है बीच में? अरे यार ये नेटवर्क इशू देखो पता है ना, हेलो नेटवर्क इशू, अबे नेटवर्क इशू, कनेक्शन है क्या क्या? हेलो, अरे मेरी, मैं डॉल बोल रही हूँ, मेरे के बुला है, कृपया लाइन पर रहा, द पर्सन यू आर स्पीकिंग। हेलो हेलो, क्या सीन है भाई, मैं उससे घर का एड्रेस भेजना भी तेरे पास सुन आ रही, ब्लड ग्रुप भेजू, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप मत भेज, घर का एड्रेस भेजते हैं, लड़के का भी भेज। तो पागल लग ले गया मेरे को, उसका एड्रेस क्या लर्न वन है क्या, तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, उसका एड्रेस भेज, ब्लड ग्रुप बता, कौन से कलर क्या क्या क्या, तो तू तो तू बता, तू बता क्या, ऐसे ही मर जाओ एक ना एक दिन, तो किसी की कोई ना कोई लड़का तो लाइफ में आने वाला था। यार बेटा डॉल क्या सीन है तेरा, तो ऐसा है आशिमा बोला, क्यों प्रैंक वीडियो शूट कर रही हूँ? और मेरे को पता था कि तुम लोग ये प्रैंक पे भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मेरे को वो इंस्टा पे ऐसे स्टोरी और घटिया स्टोरी डालनी पड़ी। बक देखो सच लगाता, देखो सच लगाता, तू ऐसी ऐसी मजे ले रही थी, सच लगाता, तू मजे ले रही थी, नहीं आशिमा को नहीं मार सकते, देखो पता था मजे लग रही, तो कैसे लगा ये प्रैंक? बढ़िया है, तो मैं क्या सिंगल मरू क्या, तो मैं क्या सिंगल मरू, एक ना एक दिन तो मिलेगा ही ना कोई, इसमें सबसे बड़ी बेइज्जती तो सौम्या की हुई है, सौम्या छोटी है लगती है ना बड़ी, और वो वाला जो तू बोली ना कि सौम्या को पता है, नहीं यार सौम्या पता है ना कैसी, उसका दिमाग पता है ना कैसा है, तो मैं बोली ना उसको क्या बोलो, चल मैं अभी यही एंड करती हूँ, हो रही है मेरी तो सही में यार, है ना ये बेइज्जती है यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब करना पहले मेरे चैनल पे करो। थैंक यू, आई लव यू।
बाय पीपल, बाय लेडीज, बाय लेडीज, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट. तो मेरे को ये प्रैंक बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन मुझे एक चीज़ पता चल गई कि मैं किसी के ऊपर प्रैंक नहीं कर सकती. मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं अभी क्या बोलूँ, कैसे झूठ बोलूँ, क्या बोलूँ कि उनको सच लगे. आई कांट डू दिस, नेवर. आमने सामने आई कैन डू.